नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं धनंजय नौटियाल। जहां कल शाम को शहीद मोहन का पार्थिव शरीर देहरादून लाया गया, वहीं आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को नम आंखों से विदाई दी। वहीं शहीद के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपका खून खौल उठेगा। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं देहरादून में पहुंचे पार्थिव शरीर रतोड़ी जी को नम आंखों से सब सलामी दे रहे हैं। उनकी बेटी का ये तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार एक बेटी, एक जो जवान शहीद हुआ है, उस जवान शहीद हुए की बेटी किस तरह अपने पिता को सलामी दे रही है। और उसी के साथ साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री भी सलामी दे रहे हैं और लोगों की आंखों में आंसू है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। गुस्सा है, जुनून है, लेकिन करे तो क्या करे, जो जिंदगी है इसको तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन मेरा देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, हमें तोड़ने वाला कोई नहीं है। इन मासूम से चेहरे को देखकर आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि इसकी आंखों में, इसके दिल में क्या चल रहा होगा। एक बच्चा है जिसकी उम्र महज 8 साल या 10 साल है, अपने पिता को सलामी दे रहा है, क्या चल रहा होगा इसके मन में। मोहन लाल रतुड़ी को सत सत नमन। और हमारे प्रिय परिवार और देहरादून उत्तराखंड की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से जय हिंद, जय भारत।